हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अदा शर्मा की मूवी द केरला स्टोरी का डे टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, शो काउंट्स और डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फ्रेंड, तमाम बॉलीवुड लवर्स को बहुत उम्मीद थी सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान से कि ये 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी, 250-300 को टच करेगी, ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ तो सब निराश थे कहीं ना कहीं। तो ऐसे में अब सबकी नज़रें द केरला स्टोरी पे हैं क्योंकि जो रिस्पांस आ रहा है फर्स्ट और सेकंड डे वो बाप लेवल का है। बात की जाए इसके फर्स्ट डे की अर्निंग की, तो जहां सबका प्रेडिक्शन 6-7 करोड़ था, वहां फर्स्ट डे की अर्निंग 8 करोड़ आई है। आप अंदाजा लगा लें, एक ऐसी मूवी जिसका बजट ही 20 करोड़ है, उसका फर्स्ट डे का अर्निंग 8 करोड़ आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ्रेंड, इसका कारण एक ये है कि कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी है, काफ़ी इस पर हर जगह बात हो रही है, मीडिया पर भी पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं, तो एक दफ़ा हर इंसान देखता ज़रूर है कि यार ऐसा मूवी में है क्या जो हर बंदा बात कर रहा है, तो वो इसके हक में जा रही है। डे वन की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी इसकी 17.5, आफ्टरनून 25, इवनिंग 29 और फिर इवनिंग में बाप लेवल की 43% की ऑक्यूपेंसी। बात की जाए डे टू की, तो आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कल से थोड़ी ज़्यादा है, 19.05, आफ्टरनून 30% की ऑक्यूपेंसी है। तो आज एक बात तो साफ है कि आज अर्निंग फर्स्ट जैसे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, पर कितनी होने वाली है आइए उस पर नज़र डालते हैं। फ्रेंड, इसके शोज़ भी अच्छे खासे बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई में जहाँ इसके पास कल 420 शोज़ थे, आज 465 शोज़ हैं। दिल्ली NCR 555, पुणे 175, हैदराबाद 50, बेंगलुरु 150, कोलकाता 130, लखनऊ 100, चेन्नई 10 और अहमदाबाद 145 शोज़। ये शोज़ अच्छे खासे पकड़ रही है और आज नाइट तक या फिर संडे को मैक्सिमम शोज़ इसके पास होंगे, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुंबई और दिल्ली NCR में एटलीस्ट 700 शोज़ इसके पास संडे नाइट तक होंगे। फ्रेंड, डे वन की इसकी एडवांस बुकिंग थी 1.30 करोड़ और आज इसने डबल से भी ज़्यादा जंप लेते हुए सेकंड डे पे 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। तो डे टू का जो अर्ली एस्टीमेट आ रहा है वो कहीं ना कहीं 14-15 करोड़ आ रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है नाइट ऑक्यूपेंसी पे, अगर नाइट ऑक्यूपेंसी 50 क्रॉस कर गई आज ईजिली तो फिर ये डबल अर्न कर लेगी अपने फर्स्ट डे से, यानी 16-17 करोड़ भी अर्न कर सकती है। फ्रेंड, अगर आज ये 15 करोड़ भी अर्न करती है तो उसका दो दिन के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 23 करोड़ हो जाएगा, यानी अपना बजट ये दो दिन में ही क्रॉस कर लेगी। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।